गुजरात में बीजेपी की भारी बहुमत से जीतने के बाद झांसी नगर आगमन पर अजीत सिंह छाबड़ा क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का भव्य स्वागत किया गया। झांसी की एक होटल में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि अजीत सिंह छाबड़ा क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का जोरदार स्वागत किया गया। अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी ने फूलमाला पहनाकर बाहर मिठाई खिलाकर स्वागत किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजीव अग्रवाल, मोहम्मद इस्माइल मुन्ना भैया, रेहान खान आदि उपस्थित एवं कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के चुनाव के लिए आवेदन दिया। अजीत सिंह छावड़ा क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र। जो सर आप जो गुजरात में जो जीत मिली हुई है उसके बारे में देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिली। वहां पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो बहुत बढ़ चढ़ के बोल रही थी, जनता ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है। और कई जगह तो अधिकांश जगह तो कांग्रेस और जो हमारी आम आदमी पार्टी है उनकी जमानतें तक भी जब्त हो गई हैं। तो गुजरात की जनता ने ये बता दिया है कि तो हम जो आप झूठा और बेकार का जनता को प्रलोभन देते हो, वो प्रलोभन गुजरात की जनता को सरकार नहीं है, देश सर्वोपरि है, मोदी जी सर्वोपरि है। और इसी कारण उन्होंने गुजरात में मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगातार सातवीं बार वहां पे एक ऐसा बहुमत मिला है जो वास्तव में इतना बहुमत कभी आज तक नहीं मिला। इमरान नाम है, इमरान खान मंडल अध्यक्ष। भैया किस वार्ड से आपने आज जो आवेदन दिया है, किस वार्ड से? मैंने आज 11 नंबर वार्ड से आवेदन दिया है जी, कि हमारे मुसलमानों में कभी जीतने का यही मौका मिला है। आज जी काल इंतजार करने के बाद अपनी मौका आया है जी। तो हमने लोगों को जब जीतने का यही मुझे मौका है कि मैं टिकट मांगा है, अगर पार्टी देती है तो मैं लड़ूंगा, नहीं देती है जिसको भी देंगे मैं उसके साथ जी। वार्ड नंबर 11 में कौन कौन से मोहल्ले आते हैं? वार्ड नंबर 11 से तो कई लोग आते हैं जी, बहुत बड़े बहुमत क्षेत्र है जी, और सब समाज के लोग हैं जी। भैया क्या नाम है? संजीव अग्रवाल लाला जी। आज किस आयोजन में आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं? देखिए लगातार बड़ा खुशी का माहौल हम लोगों में है, चूँकि गुजरात एक ऐसा प्रदेश था जो कि मोदी जी की कर्म भूमि है जी। वहाँ पर अलग अलग तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपना बता रही थी कि हम लोगों को बड़ा प्रचंड बहुमत मिलने वाला है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष जीत रहा है, आम आदमी पार्टी का हमारा मुख्यमंत्री का प्रत्याशी जीत रहा है, और इन सारे लोगों की जमानत जब्त हुई है। इसका सीधा संदेश ये जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को पूरे भारत की जनता पसंद करती है, गुजरात की जनता पसंद करती है। उन लोगों ने जवाब दिया है कि देश में जो काम करेगा, जो भारत माता का सम्मान करेगा, वही इस देश पर राज करेगा। इसी के प्रचंड बहुमत के साथ आज हम लोगों ने यहाँ मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई देकर जश्न का माहौल हम लोगों ने मनाया। मुन्ना भैया क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बुंदेलखंड कानपुर। आज प्रोग्राम किस में? प्रोग्राम क्या है कि हमारे ये अजीत कुमार छाबड़ा जी क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारे संजीव लाला जी ये प्रवासी रहे, तीन दिन मैंने इनने मेहनत की, इन लोगों का स्वागत करने के लिए आज प्रोग्राम रखा गया है। भैया क्या नाम है? मेरा अल्ताफ आलम रिजवी जी। आज जो आपने आवेदन दिया है किस वार्ड से दिया? मैंने आवेदन दिया है वार्ड नंबर 52 मुकरियाना रायगढ़ दाजिया दरीगरान जी, वहाँ से मैं लड़ने का मैंने इच्छा जताई है। और मैं समाजवादी पार्टी से लगभग 20 साल से जुड़ा रहा जी, मैं आज उसको छोड़कर मैं भाजपा परिवार में आया हूँ जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये सीट जो अपनी देश आज़ादी के बाद ये सीट कभी नहीं आई भाजपा के खाते में जी, मैं इस बार जीत कर भाजपा के खाते में ये सीट डालना चाहता हूँ और ऐतिहासिक जीत दर्ज कर भाजपा के परिवार में मैं जोड़ना चाहता हूँ। उसी में आगे बढ़ा, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र है, इसमें हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और वरिष्ठ इस्लाम भाई मुन्ना भाई हमारे साथ में, हमारे यहाँ की प्रदेश की रजनी जैन जी, हमारे भाई उमर सिद्दीकी जी और हमारे मोहम्मद जावेद जी जो हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारे शाहरुख खान जी हमारे जो क्षेत्रीय मंत्री हैं,
हमारे लाला जी जो हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी भी रहे हैं झांसी के, और गुजरात में इन्होंने बहुत अच्छा तहलका मचाया है, जो जीत हुई है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की, उसके लाला भाई का बहुत अच्छा योगदान रहा है। एक जो ऐसी सीट जिसमें भाजपा को जीतने की भी उम्मीद नहीं थी, वहां 40,000 वोटों से भाजपा को विजय सीरीज दिलवाने के लिए संजीव भाई लाला जी का बहुत अच्छा योगदान। इसी प्रकार हमारे जो रेहान भाई हैं, हमारे जो अन्य पदाधिकारी हैं, हम सबकी मजबूती के साथ आज झांसी जो है कानपुर के बाद उत्तर प्रदेश कानपुर बुंदेलखंड में एक मजबूत जिला अल्पसंख्यक मोर्चे के रूप में सामने आया है। और इस नगर निगम चुनाव में मैं अपने सभी जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी भाई हैं, मैं इनसे ये कहूंगा कि सिर्फ कमल के निशान को देखना है, क्योंकि नगर निगम के चुनाव में प्रत्याशी जो चुनाव जो होता है इसमें एक एक वार्ड से पांच पांच जो है 10-10 लोग जो है आवेदन करते हैं, तो टिकट तो एक को ही मिलनी है। इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि कमल के निशान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पे 100% सीटें आनी चाहिए। हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता ये बिल्कुल ध्यान दे दें कि पार्टी जो है अपने अल्पसंख्यक भाइयों को बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पे सेट करने जा रही है। हमारे अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के लिए अब तो खास तौर से जो पसंदीदा मुसलमान है, पसमांदा मुसलमान है, उसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। हमारे प्रदेश में इसी समाज से, हमारे अंसारी समाज से हमारे प्रदेश के मंत्री बनाए गए हैं और दानिश अंसारी जी। इसी प्रकार हमारे जो लक्ष्य है, हमारे मुस्लिम भाइयों को पार्टी से अधिक जोड़ना है, मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। मेरा ये आपसे प्रार्थना है कि इस चुनाव में ये दिखा लीजिए कि अल्पसंख्यक पूरी तरह से भाजपा के साथ है और कंधा से कंधा मिला के चलेगा, और लो इस नगर निगम के चुनाव में झांसी मंडल में भाजपा की 100% जीत होगी। जय हिंद, जय भारत। पार्टी में लगभग 20 लोग तो मैं ला रहा हूँ शामिल करने के लिए, तैयारी है भैया बहुत। एक 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 वक्त मैं आपका एक एक करके आ जाओ, अपना परिचय दे जावेद भाई ले ली, लोगो ला चाचा की ले मंडल मुबीन खान, आप परिचय करा दे। जिला कारकारी सदस्य एक एक मुबीन आ जाओ। अच्छा कैंप लगाया था आपने, सेफ कंट्रोल मशीनरी बजा जब पहुंच बहुत बड़ा कैंप अपना बताया आप। हाँ सद्दाम भैया, शिवाजी नगर मंडल सद्दाम भाई आप भी आ जाओ।